मैं रांची के कडरू भगत कोचा में हूँ। यहाँ बाखला परिवार के वृद्ध और अन्य सदस्यों को अपने ही जमीन और अपने ही घरों से वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हम से तलाल मने एकदम परेशान करें और बिल्डर मने हम इनके पूरा नदी से लेके एकदम घर के पीछे तक घेरा कर दे रहे हैं। प्रशासन धमकी देते रहना, पिस्तौल तो बंदूक चलाए चलाए, तो हम क्या कर सकते हैं गरीब आदमी। एक चीज हमको क्लियर कराइए, चंपू मिर्धा जो मारपीट का केस किया है, जी जी मारपीट का केस किया, ये बुढ़िया क्या आप गाड़ी का चोरी का इल्जाम लगाया, गाड़ी आपके ऑफिस में रहती है, मुझे पता चला है गाड़ी का नंबर पता चला है। पिछले साल से लगातार यहाँ पे आकर के बिल्डर लोग और जमीन दलाल लोग हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हम इनके रसीद हो, खतियान हो, सब चीज हो। जैसे मुझे सूचना मिली कि अजीत बारला के जमीन पे कुछ बिल्डरों ने घेराबंदी की प्रक्रिया शुरू की है और तुरंत स्पॉट पे जाकर के मैंने कार्रवाई करने का हम काम किए हैं। मैंने उस स्थल का निरीक्षण भी किया और साथ में उनको नोटिस भी दी गई और ये अभी प्रक्रिया चल रही है। सदर अनुमंडल अधिकारी की ओर से वहाँ पर 44 लगाने का काम भी किया गया है और बाकी तो प्रशासन में जैसे सूचना मिली प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई होगी कुछ मुझे लगता है उचित कार्रवाई होगी। हम जमीन के खूने देव, हम मोर भी जाबो लेकिन ये जमीन का हम दिब्बे नहीं कर। अधिकारियों और बाहरी बिल्डरों की मिली भगत से मेरी बाखला और उनके परिवार के जमीन को हड़पी जा रही है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। हम महिलाओं और रांची की मेयर और सीओ के पहल करने से आप भी काम रुका हुआ है। सभी संगठनों एवं अन्य दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि रांची के उपायुक्त के किशोन जी को निम्नलिखित मोबाइल नंबर पर कॉल करें और दबाव बनाएं ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। मैं हूँ निर्मला, रांची झारखंड से, इंडिया अनहर्ट के लिए।